क्वेश्चन है, आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है इनफाइनाइट, और यहाँ पर एक और वायर है, एक और वायर है, थोड़ी मोटी वायर है, और ये जो या रेक्टेंगुलर लूप है, कुछ भी वायर नहीं तो रेक्टेंगुलर लूप ले लो, एक रेक्टेंगुलर लूप है सिंपल, तो इसमें आई नॉट करंट है इनिशियली, इसमें कुछ नहीं है। अब आई नॉट करंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स क्यों चेंज होगा, बी यहाँ पर ज़्यादा कम 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 कम, और करंट पीछे से क्वेश्चन में गिवन है कि रेक्टेंगुलर जो लूप है इसकी रेजिस्टेंस आर है एंड लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द वायर, इनफाइनाइट वायर है, करंट इसमें कितना जा रहा है, आई नॉट है, करंट डिक्रीजेस टू जीरो, एकदम आपने करंट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, भाई मैग्नेटिक फील्ड इसका बी से क्या कर दिया, एकदम जीरो कर दिया, तो इसका फ्लक्स क्या हो गया, चेंज। जब इसका फ्लक्स चेंज हुआ तो चार्ज कितना फ्लो करेगा लूप में ये बताओ, और जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक, आई नॉट से जीरो होगा और करंट कैसे डिक्रीज होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। आपको चार्ज निकालना है, मैंने आपको चार्ज फ्लो का एक फॉर्मूला करवाया था, चेंज इन फ्लक्स को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो चार्ज फ्लो आ जाता है, किया हमने ये फॉर्मूला। तो अगर मैं चेंज इन फ्लक्स निकाल दूं, आर तो आपको गिवन ही है लूप का, आंसर आ जाएगा, क्लियर है यहां तक। प्रॉब्लम कहां पर है, फ्लक्स अगर इसका निकालना है, प्रॉब्लम ये है, फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया, अब बी हर पॉइंट पर अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज, क्योंकि इनफाइनाइट वायर से बी क्या हो रहा है, चेंज। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, अब पूरे लूप का तो एक बार में निकलेगा नहीं, तो इसका स्ट्रिप लेना पड़ेगा छोटा सा, तो हमने इसका क्या ले लिया, स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन, तो हमने इसका स्मॉल पोर्शन लिया जिसकी विड्थ dx है और जिसकी लेंथ क्या है, बी, तो एरिया क्या होगा इसका, बी डी एक्स, ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा, बी डी एक्स, और इसका फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया, तो स्मॉल फ्लक्स आ गया। यहाँ पर बी तो आप निकाल ही लोगे, एक्स डिस्टेंस पे क्या होता है इनफाइनाइट वायर का, तो इनफाइनाइट वायर का बी आ गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस शेडेड पोर्शन का फ्लक्स आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बी की वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे, स्ट्रिप हमने जो लिया वो एक्स डिस्टेंस पे लिया, इनफाइनाइट वायर इतना बी लगाता है, और स्मॉल फ्लक्स क्या होगा उस स्ट्रिप का, बी इंटू एरिया, एरिया क्या है, बी डी एक्स। टोटल फ्लक्स अगर निकालना है तो लिमिट लगानी पड़ेगी सी से लेके सी प्लस ए तक की, तो टोटल फ्लक्स में सी से ए प्लस सी की लिमिट लगेगी, बी की वैल्यू को पुट कर दिया, मैथ्स में इंटीग्रेशन आपको सिखाते हैं तो 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करके सॉल्व करके आपके पास ये फ्लक्स आ जाएगा। तो ये फ्लक्स आया, हमें फ्लक्स नहीं चाहिए, हमें चेंज इन फ्लक्स चाहिए। अब चेंज क्यों हुआ, क्योंकि करंट आई नॉट से सीधा क्या हो गया, जीरो, तो इनिशियल करंट क्या था, आई नॉट, फाइनल करंट क्या है, जीरो, फ्लक्स करंट के साथ ऐसे अपनी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर डेल्टा फाई लगा लेते हैं, यहां पर डेल्टा आई लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं, अगर आई की जगह डेल्टा आई तो फाई की जगह डेल्टा फाई। डेल्टा आई क्या चीज है, फाइनल करंट क्या है, जीरो, इनिशियल क्या है, आई नॉट, तो चेंज इन फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, आई नॉट, तो यहां से डेल्टा फाई आ गया, डेल्टा फाई को आर से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये करंट का फॉर्मूला फिर क्यों गिवन है, ऐसे ही बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को करंट चाहिए ही नहीं इंस्टेंटेनियस, मेरे को तो इनिशियल करंट आई नॉट गिवन है, मेरे को फाइनल जीरो पता है, तो मेरे को चेंज इन करंट जीरो माइनस आई नॉट, बीच का करंट तो ऐसे ही है, चाहिए ही नहीं है, तो मुझे पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसके अंदर रूल नंबर वन, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, इसमें आई नॉट से जीरो करंट कर दिया, इसका बी चेंज हो गया, बी से जीरो हो गया, इसका फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम है, फ्लक्स की वैल्यू बी इंटू एरिया होती है, बी हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो मैंने एक्स डिस्टेंस पे बी निकाल लिया, एक्स डिस्टेंस स्मॉल एरिया ले लिया, तो स्मॉल फ्लक्स आ गया, तो मैंने लिमिट लगा ली सी से लेके सी प्लस ए, तो लिमिट लगाने के बाद सॉल्व करने के बाद मेरे पास फ्लक्स आ गया, तो फ्लक्स और करंट का रिलेशन आ गया, आई की जगह डेल्टा आई, फाई की जगह डेल्टा फाई किया, चेंज इन करंट जीरो माइनस आई नॉट पुट किया, यानी कि आई नॉट, तो ये डेल्टा फाई आ गया, डेल्टा फाई को आर से डिवाइड किया तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें चार्ज निकलेगा। इसके बेस पे ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए है, प्लीज ट्राई करो।
सर शीट नंबर बता दूं? 59, 59. क्वेश्चन है, आपके पास वो कह रहे हैं एक वायर है जिसकी लेंथ ए बी है, इसको मैं स्लाइड कर, और रेजिस्टेंस इसकी आर है, इसको मैं मूव करवा रहा हूँ विद वेलोसिटी ऑफ वी टुवर्ड्स राइट. ठीक हो गया? तो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी इनके बीच में, कितनी? बी एल वी. क्लियर है? तो बी एल वी क्लियर है. आगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट्स नॉर्मल टू द प्लेन. एस इज अ करंट सोर्स प्रोवाइडिंग अ करंट ऑफ आई. कह रहे ये भी करंट इसमें भेज रहा है. अब करंट भेज रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा? आई इंटू आर. तो सोर्स कहता है मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करूंगा आई आर. मोशनल ई एम एफ कहती है मैं क्या डेवलप करूंगी? बी एल वी. तो आपको नेट ई एम एफ बतानी है क्या होगी. अब बी एल वी की एक प्रॉब्लम है, जो सोर्स चाहता है, मोशनल ई एम एफ हमेशा ऑपोजिशन में काम करती है बिकॉज ऑफ लेंस लॉ. तो बेसिकली आपको इसमें नेट ईएमएफ में क्या करना पड़ेगा, दोनों में साइन माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मोशनल ईएमएफ आपकी अप्लाइड ईएमएफ को हमेशा क्या करेगी? अपोज ही करेगी. इसलिए ये हो नहीं सकता, ये दोनों होंगे नहीं, ऐड होगा नहीं. तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा. तो एक ईएमएफ आपने जनरेट किया, एक मोशनल ईएमएफ है, और दोनों अपोजिशन में होते हैं, इसलिए साइन क्या आएगा? नेगेटिव. क्लियर यहां तक? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दो पैरेलल स्ट्रेट रॉड्स हैं, ये दो स्ट्रेट रेल्स हैं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एल डिस्टेंस अपार्ट है, ये एल डिस्टेंस अपार्ट है. एट वन एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस. ये री आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैमडा अलॉन्ग द रेल विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल. वो कह रहे हैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी रेजिस्टेंस की जगह आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे दी. तो आपको इन वायर्स की क्या गिवन है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है कितनी? लैम्डा. अब इसकी लेंथ क्या गिवन है? एल. और ये एंगल 90 डिग्री और साइड बराबर है. तो आप यहां पर मैथ्स लगा सकते हो जिसमें अगर ये साइड एक्स है, ये साइड एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस से एल स्क्वायर. तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां से? एल बाय रूट टू. तो ये निकाल लोगे लेंथ इसकी. क्लियर है यहां तक? तो पाइथागोरस लगा के, वैसे भी आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एल है, तो एल बाय रूट टू, एल बाय रूट टू आई जाएगी. ठीक हो यहां तक? अब आप इस ट्राइंगल को मूव करवा रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ वी, आपको फोर्स बतानी है क्या होगी इस वायर पे. सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब आप इसे यहां मूव करवाओगे तो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी, कितनी होगी? बी एल वी. एल में लेंथ क्या लेंगे? 2L नहीं लेंगे. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें क्या है? ए और बी में जो भी शॉर्टेस्ट है, वो कोई फर्क नहीं एक है या दो है. आप सोचोगे या तो 2L होना चाहिए था क्योंकि एक वायर ऐसी है, एक वायर ऐसी है. अच्छा ऐसे कर लो फिर, एक काम करो, ट्राइंगल छोड़ो. आप मुझे ये बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या है? लैम्डा इन टू एल. इसकी रेजिस्टेंस क्या है? लैम्डा इनटू एल बाय रूट टू. इसकी कितनी है? लैम्डा इनटू एल बाय रूट टू. ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में. तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो इस ट्राइंगल की जगह. अब एक रॉड लगा लो, अब बन गई एल. ठीक है, इस ट्राइंगल को सॉल्व करके एक एल बना लिया, तो लेंथ तो एल ही आएगी. अब सिंपल एक वायर, तो बोलो मोशनल ईएमएफ क्या है? बी एल वी. और लेंथ में क्या पुट करेंगे? सिंपल एल. रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज पैरेलल से निकालनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें रेजिस्टेंस को निकाल लिया, वो सीरीज में पैरेलल में करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई. रेजिस्टेंस आ गई तो करंट आ गया. करंट क्या है? बी एल वी को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, करंट आ गया. मुझे क्या निकाल दिया? फोर्स रिक्वायर्ड. तो फोर्स रिक्वायर्ड क्या होती है आपको पता ही है, बी आई एल. तो बी आई एल में आई की वैल्यू जो ऊपर निकाली वो नीचे पुट कर दी, आंसर आ गया बी आई एल. तो समझ में आ रहा है यहां तक? सबसे पहले जितने भी ट्राइंगल हैं उसको एक रॉड बना लो बाय कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. बस फिर बी एल वी, बी एल वी को आर से डिवाइड करके करंट, करंट आ गया तो बी आई एल से फोर्स.
देखने में मुश्किल है लेकिन है नहीं, है सिंपल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, देखो अ कॉन्स्टेंट करंट आई फ्लोज थ्रू अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल। ठीक है, एक रेल्स हैं, ये लेंथ एल है, एक रॉड ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, एंड मास एम एस का स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस रेल। इफ इनिशियल स्पीड ऑफ द रॉड इज वी नॉट, तो आपने वी नॉट देके इसको छोड़ दिया, फ्रिक्शनलेस है, वी नॉट से मूव करती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो रॉड ऐसे जा रही है, रॉड जो है आप ये लगा के चलो कि ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो वी नॉट तक छोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड को कट करती हुई जाएगी तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी, इंड्यूस करंट भी पैदा होगा। इंड्यूस करंट क्या होगा? बी एल वी बाय आर, राइट। अब हुआ क्या, इसमें करंट पैदा हो गया, रादर ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें करंट एक मैंने भी इसमें सेंड किया, एक इसमें इंड्यूस ईएमएफ तो डेवलप होनी थी, एक करंट मेरी बैटरी ने भी सेंड कर दिया। अब बैटरी का करंट कैसा है? बाहर की तरफ, सोचो बाहर की तरफ ऐसे है, बैटरी का करंट ऐसा है। तो बैटरी का अगर करंट ऐसा है तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? इट विल करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी आई एल। बी कहाँ पर है? ऊपर। करंट कहाँ पर है? बाहर। फोर्स कहाँ पर है? इधर। बी ऊपर है, करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है रॉड में, बैटरी का करंट बाहर आ रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ होगी? इस तरफ। अब आपकी बी आई एल कहती है कि फोर्स यहाँ लगेगी, पर आपने इस रॉड को उठा के राइट फेंक दिया, अब रॉड कहाँ चलेगी? क्योंकि आपने तो वी नॉट दे के फेंक दिया, बी आई एल हर वक्त यहाँ काम कर रहा है, तो रॉड क्या हो जाएगी? थोड़ी देर में रुक जाएगी, इट विल स्टॉप। क्वेश्चन है कितनी दूरी पे रुकेगी, ये बताओ, डिस्टेंस बताओ कितनी दूरी पे रुकेगी। रुकेगी क्यों समझ में आ रहा है? आपकी वी नॉट की वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है, आपने वी नॉट दे के फेंक दिया, पर आपकी बैटरी का करंट बी आई एल उल्टी तरफ जनरेट हुआ हुआ है, तो वो जो फोर्स है उसको रोकेगी, अल्टीमेटली वो रुक जाएगा। तो रुकेगा तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। एक कॉन्सेप्ट जो माइंड में आता है वो फोर्सेस का आता है। ये माइंड में आता है कि मुझे यहाँ की फोर्स पता लग जाए, मुझे यहाँ की फोर्स बी आई एल पता है, मैं नेट फोर्स न्यूटन के लॉ से निकाल दूँ, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल दूँ, एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख दूँ, वहाँ से किसी भी तरीके से इंटीग्रेट करके वेलोसिटी को वी नॉट से जीरो कर लूं और मेरा कोई डिस्टेंस आ जाए। लंबा है, सुनने में लंबा है। ये सारा काम ना फोर्सेस के अंदर करते थे। फिर एक चैप्टर आया था प्लस वन में जिसका नाम क्या था? वर्क एनर्जी। वो कहता है यार बीच की जर्नी की बात क्यों करते हो, शुरू की बताओ और फाइनल बताओ, काम खत्म करो। इसमें ये यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? इनिशियल एनर्जी कितनी है काइनेटिक? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल क्या हो गई? जीरो। क्यों जीरो हुई? क्योंकि बी आई एल फोर्स ने क्या किया? इसको रोक दिया। तो आपकी रेजिस्टिंग फोर्स बी आई एल है, उसने डी डिस्टेंस पर रोक दिया, तो उसने क्या किया? अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर है यहां तक? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है यहां तक? तो इस केस में डी निकालना है, एफ की जगह क्या? बी आई एल। आंसर आ गया। तो यानी कि यहां पर वर्क एनर्जी पार भी आ गया। कोई दूसरे बैच में बोला सर आप कहते थे कि प्लस वन यूज नहीं होती प्लस टू में, आप तो आज तो पूरे मोशन मोशन सारे कभी कभी यूज़ होती है, ठीक, कभी कभी बीच में हो जाती है, बट सम ईएमआई में ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें मोशनल ईएमआई में रॉड मूव करती हैं। अब रॉड एक्सलरेट भी कर सकती है, रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर सकती है, रॉड में फ्रिक्शन भी हो सकती है, तो पूरा फोर्स फ्रिक्शन वर्क का कॉन्सेप्ट इसमें फिट हो सकता है। इसीलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन किताब में मिलेंगे आपको मोशन बेस्ड। लो
एक और देखो, क्वेश्चन पढ़ लो। देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन है, तो रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वेज ऑफ एंगल थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन पे रॉड है, रेल्स आर कनेक्टेड बाय रेजिस्टेंस आर, तो रेल्स को आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड, यार ये टर्मिनल बीच में कैसे आ गई? टर्मिनल का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। रूल नंबर वन, ये रॉड नीचे क्यों आएगी? क्योंकि एम जी साइन थीटा इसे नीचे लेके आएगा। पॉइंट नंबर वन क्लियर? ठीक, तो अगर मैं ऐसा कुछ इसमें बनाऊं, थोड़ा बेटर डायग्राम, तो ऐसे हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसे ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये एंगल क्या है? थीटा है, और ये आपकी रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? ऊपर की तरफ है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? ऊपर की तरफ है, कोई डाउट इसमें? और इसमें ना आर रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, मैंने ड्रॉ नहीं की, वो पता ही है कि आर रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये रॉड है जो नीचे आ रही है, तो इसको कौन नीचे लेके आएगा? हमने किया हुआ है ना एम जी, हाँ एम जी, एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा थीटा के साथ, कितना? एम जी कॉस थीटा, और एक नीचे की तरफ, कितना? एम जी साइन थीटा। ये प्लस वन में हमने किया, नॉर्मल रिएक्शन है, तो नीचे लेके आएगा। अब नीचे लेके आएगा तो रॉड क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। रॉड एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, पर वो कह रहा है मेरे को तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। अब क्योंकि रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा जो आर रेजिस्टेंस के घूम के आएगा। अब करंट कितना पैदा होगा? बी एल वी बाय आर, जो करंट होगा इसमें वो कितना जनरेट होगा? बी एल वी बाय रेजिस्टेंस आर। करंट कैसे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये आपकी रॉड है, ये कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगेगा? राइट। बी कहां पर है? ऊपर। मोशन ऑफ अ कंडक्टर कहां पर है? टेढ़ा नीचे। तो करंट कहां पर है? बोर्ड के अंदर। बी ऐसे, मोशन ऑफ द कंडक्टर नीचे, थंब नीचे, इंक्लाइन प्लेन, तो करंट कहां पर आ रहा है? मेरी तरफ आ रहा है। क्या ये रूल समझ में आ रहा है? बी ऊपर, मोशन ऑफ द कंडक्टर नीचे, तो करंट कहां पर आएगा? बोर्ड के अंदर, राइट। तो क्या मैं यहां ड्रॉ करूं? करंट जो है वो बोर्ड के अंदर है, ठीक है। यहां तक ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस सर, है ना। बी ऊपर, मोशन ऑफ द कंडक्टर नीचे, बी ऊपर, मोशन ऑफ द कंडक्टर नीचे, तो करंट कहां पर? बोर्ड के अंदर। अब करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, खुद ही मूव करके करंट पैदा कर लिया, फिर कहते हैं करंट कैरिंग वायर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी आई एल। अब बी आई एल कहां लगेगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि पिछला चैप्टर आ गया, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। तो बी कैसे? बोर्ड के ऊपर। करंट कैसे? बोर्ड के अंदर। और फोर्स कैसे? मेरी तरफ। तो ये क्या लग गया? एफ इज इक्वल टू बी आई एल। समझ में आया यहां तक? तो फ्लेमिंग का रूल कहता है कि इस पर क्या लगेगा? बी आई एल लगेगा पीछे, कोई डाउट इसमें? अब ये जो बी आई एल इस तरफ लगेगा, है ना, इस तरफ लगेगा, इसके भी कंपोनेंट्स हैं। कैसे? अगर ये थीटा, तो ये भी क्या? थीटा।
तो बी आई एल का एक कॉम्पोनेंट क्या है, बी आई एल कॉस थीटा। तो अगर नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्स बराबर हो जाए तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो नो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट एंड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां पर एम जी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू बी आई एल कॉस थीटा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, यहां तक तो सारी कहानी समझ में आ गई। एक आखिरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें करंट क्या पुट करेंगे, करंट पुट करेंगे इसमें मोशनल ई एम एफ बी एल वी बाई आर। यहां पर करेक्शन करो, यहां बी एल वी बाई आर नहीं लगेगा, यहां पर बी एल वी अगर लगाना होता है तो बी एल और वी तीनों परपेंडिकुलर होने जरूरी हैं। पर यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर ये प्रॉब्लम है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ऐसे है और बी वेक्टर कहां पर है, ऊपर है। तो आपको ये अगर एंगल थीटा गिवन है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल थीटा। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो बी के साथ 90 डिग्री पे होगा वो क्या होगा, वी कॉस थीटा। तो बी एल वी नहीं यूज करना इसमें करंट, करंट क्या यूज करना है, बी एल वी कॉस थीटा बाय आर। इस करंट को यहां पुट कर देना, फिर वी निकाल लेना, आंसर आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ा ट्रिकी है इसमें, काफी कुछ समेट गया ये, पिछला अगला फ्लेमिंग फ्लोमिंग सब एक में समेट गया। तो देखो फिर से एक बार, इसमें क्या किया, रॉड नीचे आ रही है एम जी साइन थीटा और बी आई एल इधर है, थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग बी आई एल कॉस थीटा। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू बी आई एल कॉस थीटा। करंट की जगह, क्योंकि वेलोसिटी ये रही, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो यहाँ पे है, ये वेलोसिटी वेक्टर है थीटा थीटा, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो बी के साथ 90 डिग्री पे लेना होता है। तो क्या आएगा, वी कॉस थीटा बाय। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी उसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक। सिक्स क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन है, दो कंडक्टिंग रिंग्स हैं, एक रिंग का रेडियस बड़ा आर है और एक रिंग का रेडियस छोटा आर है। तो एक रिंग बड़ा आर है, एक रिंग स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स है, एक्स है। तो बिगर रिंग में करंट कितना है, आई। तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालनी है क्या होगी, बिगर रिंग में आई है तो छोटे रिंग पे एक्सिस पे क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बड़े रिंग में आए है तो उसके एक्सिस एक्स डिस्टेंस दूर बी जनरेट कर देगा। हमने रिंग की प्रॉब्लम की हुई है, रिंग एक्स डिस्टेंस पे कितना बी जनरेट करता है, इतना बी जनरेट करता है। एक्स डिस्टेंस पे क्या पाई जाएगी, छोटी रिंग। छोटे रिंग कहेगा अच्छा मुझे बी मिल गया बैठे बैठे, तो अपने एरिया से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो अपने छोटे एरिया से मल्टीप्लाई करके अपना क्या निकाल लिया उसने, फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स क्या होता है, एम आई। तो इन्हें इक्वेट कर लें, फ्लक्स और फ्लक्स, एम कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो कैसे एम की वैल्यू इसमें निकलेगी, बाकी क्वेश्चन देखो अब ठीक लग रहे हैं, अब ठीक है, होमवर्क है, होमवर्क है। टेंथ होमवर्क तो छोटे तो खुद ही करोगे यार। नेक्स्ट टेंथ,
क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लूप है मैग्नेटिक फील्ड में, लूप को बाहर निकाल रहे हैं, तो लूप को बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियसली ईएमएफ क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। जो ईएमएफ जनरेट होगी वो क्या कैसे होगी ये आपको बताना है। रूल नंबर वन, इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगी और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ईएमएफ का तो बीएलवी लगेगा। अब लेंथ क्या लूँ, आपको ऐसे लेना पड़ेगा, जैसे अभी ये पॉइंट है तो यहाँ पर ईएमएफ जीरो है अभी, तो जैसे ही बाहर निकलेगा तभी तो एरिया चेंज होगा। तो जैसे पहले लेंथ ये ली आपने, इमेजिन करो लेंथ, तो मोशनल ईएमएफ बीएलवी, फिर नेक्स्ट बीएलवी, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है बीएलवी, इसका कितना बीएलवी बीएलवी, ये कितना बीएलवी में बी इंटू रूट टू एल इंटू वी। तो यहाँ पर जब इसकी बारी आएगी मूव करने की तो ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम। तो पहले कम होगी, फिर बढ़ती 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 मैक्सिमम, फिर लेंथ क्या होनी स्टार्ट हो गई कम, तो ईएमएफ क्या हो जाएगी कम। तो पहले ईएमएफ कम से ज़्यादा से कम, तो पहला ऑप्शन इंक्रीज एंड डिक्रीज, और दूसरा हैज अ मैक्सिमम वैल्यू बी इंटू रूट टू एल। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने कैसे इमेजिन करना है इस क्वेश्चन को, तो आपने वर्टिकल लेंथ लेनी है, कि हॉरिजॉन्टल में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता, तो वर्टिकल में लेंथ बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर कम होती जा रही है, तो बीएलवी पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा और फिर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बात ही खत्म, पूरा लूप ही बाहर खिसक जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नहीं करना, ये ईएम वेव का क्वेश्चन है, गलती से डल गया इसमें, ये नहीं करना आपने। बाकी शीट्स अगर मैं ओपन करूं तो बाकी शीट्स नॉर्मल है, अपनी रेंज में है, देखो ना छोटे 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 नॉर्मल है सारी। ठीक है, ये सब आपके होमवर्क हैं, आप डीसी पांडे से कर लो, आप ऑब्जेक्टिव शीट से कर लो, कैसे भी कर लो, कहीं से भी करो, बस प्रैक्टिस कर लो। ये शीट्स करनी है यहाँ से कर लो, कोई ऑब्जेक्टिव बुक है वो कर लो, कोई बुक है वहाँ से कर लो, बस प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है?